बात जब नेचुरल ब्यूटी की हो तो हमारे मन में नदियाँ, पहाड़ और हरे भरे जंगल की तस्वीरें घूमती है। जब यह तीनों ही चीज़ एक जगह मिल जाए तो सोचो कि उसकी खूबसूरती क्या हो गई। तो गाइज, मेरा नाम है प्रवीण और मैं अपनी हॉबी के लिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। आज मैं आप सबको बहुत ही खूबसूरत अनसीन अनटच्ड लोकेशन पे लेकर के जाने वाला हूँ, जिसे देख करके ना आप कहोगे कि काश मैं भी वहाँ होता। तो चलो मैं आपको लेकर के चलता हूँ मणिपुर का एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है तमेंगलोंग। तो पिछले कई सालों से मेरी इच्छा थी बरक रिवर के फार्मलैंड में जाने की और वहां जा करके कैंपिंग करने की, बट वो इच्छा दोस्तों कभी भी मेरी पूरी नहीं हो पाई। कल दिन भर बहुत बारिश हुई थी, इसलिए हम लोग का जो प्लान था बरक रिवर जाने का, वो हम नहीं जा पाए। आज हम लोगों ने प्लान कैंसिल किया है क्योंकि जो रोड है बरक रिवर जाने का वो बहुत ही खराब है। इस टाइम पॉसिबल नहीं है बरक रिवर जाना। बट कहते हैं ना, अगर आप कोई भी चीज दिल से मांगो तो वो आपको जरूर मिलती है। तो इस बार भगवान ने हमारी सुन ली और एक दिन सुबह सुबह अब हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं बरक रिवर की ओर। तो ये भी जाएगा हमारे साथ। हमारा सामान पैक हो गया, यहाँ पे सब कुछ इसके अंदर। ऑल आर रेडी, वी आर रेडी टू गो। शो मी सम एक्साइटमेंट गाइस। No excitement? Nope. So, we will not cook anything. Bye bye. Chicken tandoori. एक घंटे के एडवेंचर राइड के बाद हम लोग पहुंचते हैं बरक रिवर का फार्म लैंड, और वहां पहुंच करके हमें जो वहां का व्यू मिलता है गाइस, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है।
तो फाइनली गाइस हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। वो वहां से टॉप से चलते चलते हम लोग आ चुके हैं बराक रिवर के पास। बराक रिवर आगे है, हम वहां पे जाएंगे। सबसे पहले हम जहां पे आज स्टे करने वाले हैं वो जगह मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे कोई नहीं है और हम लोग आज यहीं पे स्टे करने वाले हैं। एक घर बना हुआ है और हम लोग आज यहाँ स्टे करने वाले हैं। तो हम लोग सो दिस इज द प्लेस वेयर वी विल स्टे टुनाइट। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। सी यहाँ पे किचन है और यहाँ पे सोने का जगह है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो आज का नाइट हमारा यहीं पे गुजरने वाला है और यहाँ से जो व्यू मिलने वाला है वो कुछ ऐसा है। सी आगे बराक रिवर है, इधर पूरा फार्म लैंड है। तो आई थिंक सुबह का जो नज़ारा होगा बहुत ही अच्छा होगा यहाँ से। तो देखते हैं कल सुबह में कैसा व्यू मिलता है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी फार्म लैंड में घूमने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे फार्म लैंड कैसा है, क्या व्यू मिलता है। ये है फिश पॉन्ड। हेलो, अभी डेंस फॉरेस्ट के अंदर है। देखो मैं तो अकेले नहीं आ सकता यहाँ पे। तो गाइस ये है पोटैटो फार्मिंग। तो गाइस कितनी मेहनत लगती होगी इन लोगों को फार्मिंग करने में, यू कांट इमेजिन। कि तमेंग लॉन्ग आप देख रहे हो, वो टॉप से लोग यहाँ पे आते हैं फार्मिंग करने के लिए और यहाँ पे रहते हैं 1 से 2 महीने। उसके बाद में यहाँ से फार्मिंग होने के बाद जाते हैं। ये रहा सरसों का पेड़। वाह वहाँ पे पूल है बना हुआ। तो गाइस सी दिस इज द बराक रिवर। देखो कितना स्केरी लग रहा है। टच तो कर लो। नहीं वेलकम बैक। तो गाइस अभी हम लोग हैं बराक रिवर के पास और यहाँ से जो व्यू मिलता है वो कुछ ऐसा है। तो वही थोड़ा स्केरी तो लगता है, जहाँ जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहा है। बट बहुत ब्यूटीफुल है, ख़ास करके ये फार्म लैंड का जो एरिया है बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बताया आपको कि पिछले दो तीन बार जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मैं प्लान कर रहा था बराक रिवर देखने का, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। और इस बार रियली आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को चांस मिला यहाँ पे आकर के इस एरिया को एक्सप्लोर करने का।
3:15 बज गए, हम लोगों ने बाराक रिवर का व्यू ले लिया, फोटोग्राफी कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू आवर हट। तो गाइज अभी चल करके वापस घर में डिनर बनाएंगे और नाइट को इन्जॉय करेंगे। हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं, अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद डिनर का प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अभी खाना बन रहा है, राइस बन रहा है, सारा सामान है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था कि लोग आ करके यहाँ पे रहते हैं और फार्मिंग करते हैं, और हम लोग यहाँ पे सोने वाले हैं। मेरी वाइफ कुक कर रही है अभी, सो अभी राइस बन रहा है। सी वन पीस। ओह वाह, चलो फ्राई करो, मतलब रोस्ट करो। तो गाइस हमारा फिश अभी रोस्ट हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है फिश रोस्ट करने का, बट वी आर ट्राइंग। लाइफ में पहली बार ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो हमारा डिनर टाइम, हमने कुछ फिश भी फ्राई किया है, बेसिकली हमने रोस्ट किया है। So we are going to sleep now. So guys, आप सोने की तैयारी करते हैं, मिलते हैं कल सुबह, और मैं सुबह आपको दिखाता हूँ इस फार्म लैंड का नज़ारा। तो इसके साथ गुड नाइट।